चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 10। अभी सुबह में मॉर्निंग सारा काम हो गया है, पूजा पाठ जस्ट अभी समाप्त किया है, तो हमारा धनतेरस का गिफ्ट आ गया है जो कि मुझे आप लोगों को दिखाना है। कल रात में हस्बैंड जी लेकर आए, धनतेरस का पहले ही लाए थे। महीना मतलब शुरू हो गया था नवंबर में, दिवाली के नज़दीक ही, और आज ले कल ले तो लेना, और लेने का ऐसा कुछ अभी आइडिया था नहीं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं ना, वही है। हमारा पुराना वाला जो था वो गाड़ी बहुत ख़राब था, बीच बीच में बंद भी हो जाता था, और बड़ा वाला जो स्कॉर्पियो वो तो है ही, तो वो हमने ऑफिस में दिया हुआ है। और अभी ओला जो सेकेंड हमारा गाड़ी था ना पुराना वाला, उसे बेच के फिर अभी न्यू लिए हैं, धनतेरस पे ही लिए हैं। तो चलिए हम अभी आप लोगों को फाइनल लुक इसका दिखाते हैं मॉर्निंग में। अभी अभी पूजा भी नहीं हुआ है गाड़ी का, तो इसलिए हस्बैंड जी नहीं लेके गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे न्यू राम प्यारी कैसी है। उसको हम लोग राम प्यारी बोलते थे, और ये हमारी न्यू राम प्यारी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे खड़ा है। छोटा स्कॉर्पियो बोल सकते हैं। ये पुराना गाड़ी का सब सामान सब है। देखिए दोस्तों, अभी बाहर में ही गाड़ी खड़ा है। अभी पंडित जाएंगे, अभी टेम्प्रोरी के लिए घर में ही पूजा करवाएंगे, फिर मंदिर मंदिर अगर जाएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर से शेयर होगा। और ये ब्लैक नहीं है, ग्रे कलर का है, लेकिन ब्लैक ब्लैक दिख रहा, तो मैं हस्बैंड जी को गुस्सा कर रही थी कि ब्लैक कलर का क्यों ले आया, लेकिन ब्लैक नहीं है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उधर देखिए केक रखा हुआ, बच्चों को सुबह में दिया टिफिन में थोड़ा सा बचा हुआ, और बच्चे एकदम सरप्राइज हो गए, उठ के देखे ना सरप्राइज हो गए। देखिए ये ब्लैक दिख रहा है लेकिन ब्लैक नहीं है, ग्रे है। कैसा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। वो पूजा नहीं हुआ है, बस रात में हल्दी पानी चक्का में नीचे डाल दिए थे, आरती हम उतार दिए थे और फिर अंदर किए थे। जब ये आ रहे हैं पंडित जी को लेके, तब तक मुझे बोले फूल उल रेडी करके रखने। तो यहाँ पे देखिए फूल, अगरबत्ती, और ये सुपारी है, अरवा चावल है, सिंदूर है, अगरबत्ती है, और सब यहाँ पर मैं रेडी करके रखी हूँ। और यहाँ पर तुलसी पत्ता भी तोड़ लिया है, और बाकी का जो प्रसाद वगैरह है सब हस्बैंड जी अभी लेके आ रही है। कितना देरी तो सुबह बाबू को स्कूल पहुंचाना बहुत दिक्कत होता है ना, इसलिए अभी टेम्प्रोरी के लिए हम पंडित जी को घर पे ही बुला लिए हैं, और ताकि गाड़ी चला सके हस्बैंड जी, इसलिए अभी घर में ही हम पूजा करवा दे रहे पंडित जी के हाथों। फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो मंदिर लेके फिर वापस से पूजा करवा देंगे, लेकिन अभी जैसे सुबह स्कूल रहता है ना बाबू का, तो बाइक में बहुत हवा लगता है, बच्चा का तबीयत भी ख़राब हो जाता है, इसीलिए ये गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है घर में, इसीलिए हस्बैंड जी लिए हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और पंडित जी यहाँ पर बस, ये हमारे जो फैमिली पंडित है वही है, पूजा कर दे रहे हैं घर पर ही, ताकि इसे हम लोग यूज कर सके।
चालू होगा ना भैया। बस हो गया। फ्रेंड हमारा न्यू गाड़ी का देखा पूजा हो गया है और अभी इसे चला सकते हैं, मतलब बाहर जा सकते हैं। और यहाँ पे एक चुनरी बांध दिए हैं और वहाँ यहाँ पे बांध दिए हैं और यहाँ पे देखिए गणपति जी विराजमान हैं, कुछ इस तरीके का है। तो ये धनतेरस का है हमारा ऐसी मजा आ रहा कड़ी ठो देख के खुश है। आज हस्बैंड जी शॉर्ट्स में आ गए। कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड देखिए मेरा फेवरेट मिठाई है काला जामुन, तो आप लोग भी आ जाइए मुंह मीठा कीजिए हमारे साथ। चलिए सभी को भी बांट देते हैं प्रसाद।